आपसे आई हूँ महाराज जी। जी महाराज जी, हमारे घर में 5 साल हो गए, आए साल एक मौत हो जाती है। किस किस की हो गई? राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, मेरे गिरधर गोपाल चैनल पर नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के कथा के साथ साथ एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी चलता है, जिसमें कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है, जिसका उत्तर महाराज जी बहुत ही सुंदर और सटीक तरीके से उदाहरण के साथ समझा देते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में जब एक मैया रो रो कर महाराज जी से बोलने लगी कि मेरे घर में हर साल किसी न किसी की मौत हो रही है, इस पर देखिए महाराज जी क्या बोले। मैं पंजाब से आई हूँ महाराज जी। जी महाराज जी, हमारे घर में 5 साल हो गए, आए साल एक मौत हो जाती है। किस किस की हो गई? पहले तो मेरी देवरानी की हुई, 6 महीने बाद मेरे पति की हुई, 1 महीना 7 साल बाद मेरे देवर की हुई, फिर मेरे जेठ जी की हुई, अब मेरे ससुर की हुई है 19 तारीख को। मृत्यु क्यों हो रही है, ये पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ जी हाँ, 5 जनवरी से लेके 9। तो आपके पति ने या आपके ससुर जी ने अपने पितरों के लिए कोई शुभ कार्य किया है? वैसे पहले पाठ पूर्ण करवाते रहते थे, कुछ काम तो नहीं किया, अभी पाठ करवाया था हमने 2-3 साल पहले पितरों का ही। गया जी गए कभी? नहीं जी। तो गया जी जाओ मैया, श्राद्ध करो, उनका पिंडदान करवाओ, आपके बेटे से बोलना। हाँ जी। कि अब वो सब करें। अच्छा, पितरों के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जब हम अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते तो पितर बोलते करते हैं जी, मेरे जी, अमावस के खाना देते हैं उनको। मैया, अमावस के खाने से काम नहीं होता। अच्छा जी। गया श्राद्ध करना पड़ता है पितरों के लिए। सबसे जब गया श्राद्ध से भी ना हो मोक्ष, तो अंतिम भागवत जी हैं। अच्छा। भागवत श्रवण करने के बाद ही किसी का गया श्राद्ध करने पर भी गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। यदि गया श्राद्ध करने से भी किसी की मुक्ति ना हो तो भागवत के पाठ से ही, भागवत जी से ही उसका कल्याण होगा। 2 साल पहले करवाया था, मूल पाठ करवाया था घर में जी, उसके बाद भी 2 मौत हो गई। हाँ। जेठ जी की हो गई, ससुर की हो गई। तो देखो ऐसा है कि भागवत जी किस पीढ़ी को उतारती हैं? अच्छा जी। यदि आपके कुल में बहुत लोगों ने कभी कुछ नहीं किया, हाँ जी, तो जब आप कोई भी पुण्य करते हैं तो वो पुण्य जाके पहले उन्हें मिलता है जो सबसे पहले वेटिंग में है। अच्छा जी। इसलिए हम हर बेटे को चाहिए कि वो कुछ ना कुछ करता रहे, ताकि इतनी लंबी लाइन ना लगे। हाँ जी हाँ। है ना? ऐसे महाराज जी, बस कृपा बना के आप मेरे लिए पुण्य का कार्य करते रहिए। हाँ जी। और पितृ दोष ना हो जीवन में, ऐसा पूरा पूरा। रात को नींद नहीं आती, सुबह से ऐसे दिल घबराता रहता है सारा दिन मेरा। भगवत चिंतन किया करो। पितरों के लिए क्या किया जाता है, मैं आपको उपाय बता दूं। जब श्राद्ध पक्ष आता है, हाँ जी हाँ, तो बहुत खर्चा करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा। केवल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके यदि कोई पैसे वाला है तो वो जाके गया जी श्राद्ध कराए, पिंडदान कराए। हाँ जी हाँ। कोई इतना पैसा नहीं है, कोई पैसा है तो भागवत जी के पाठ करा ले, पैसा नहीं है तो केवल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों को कहे कि हे मेरे पितर, हम इतने गरीब हैं कि हम आपके लिए ना तो ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं, ना गया जी जा सकते हैं, ना भागवत जी का पाठ करा सकते हैं, तो आप मुट्ठी भर घास तोड़कर, घास गैया को घास खिला दो और पितरों के लिए आंसू बहाते हुए कहो कि हे पितर देवता, आप इस गौ माता की तृप्ति से तृप्त हो जाइए। तो पितर इस बात से भी तृप्त हो जाते हैं, गौ माता के कौर भर जरा सा घास खाने से भी तृप्त हो जाते हैं। घर में बीमारी बहुत रहती है, मेरे बेटा बीमारी रहने लग गया हमारे जी। अब आप यही कीजिएगा, पितरों के कल्याण के लिए सब ठीक होगा। ठीक है, श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरु जी चरण स्पर्श प्रणाम। खुश रहिए। 2 साल पहले मैं गुरुदीक्षा ली थी गुरु जी आपसे। हाँ। तब से बाके बिहारी जी की कृपा से घर में सब जगह श्रीमन नारायण लिख गया। सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, पूजा करती हूँ, और मेरे साथ मेरी सखी के पति एकादशी को ख़त्म हो गए, तो अभी वो मेरे साथ रह कर बिहारी जी के वो एकादशी का व्रत कर रही हैं, नहीं छोड़ी हैं। हाँ, करती रहें जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। एकादशी करते ही रहना चाहिए जी। जी, खुश रहिए जी। सर प्रणाम गुरु जी। हाँ, राधे राधे पंडित जी। गुरु जी, एक सवाल ये है कि पाप की परिभाषा क्या है? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, झूठ ही पाप है जी। और गुरु जी, जब से मैंने आपसे दीक्षा ली है, 1.5 साल करीब हो गया मुझे आपसे दीक्षित हुए, मैंने अपने घर में जो मंदिर में विग्रह होते हैं भगवान के, उनकी पूजा कभी नहीं करी है, सिर्फ मैं माला करता हूँ, ठीक है, जप करता हूँ, तो ये मेरे पाप है मेरा क्या? नहीं, पाप आप नहीं है, पर भगवान की सेवा है तो सेवा कर सकते हैं आप। मम्मी जी करती हैं? मम्मी करती हैं, मम्मी नहीं, मैया। मैया, मैया करती हैं, थोड़ा आप भी कभी कभी कर लिया करो। ठीक है गुरु जी, ये हमारी हलचल मंडली है, हम लोग कीर्तन करते हैं, तो हम दिल्ली से आए हैं, जब आप आए थे यहाँ पर बागेश्वर धाम जी आए थे, वहीं रहते हैं, हम कीर्तन करते हैं निःशुल्क, और जो भी वहाँ पर चढ़ावा आता है तो हम उनसे ये कहते हैं कि ये चढ़ावा हम गौरी गोपाल आश्रम में देंगे, और साधुओं की जो सेवा होती है उससे सेवा होगी। अभी हमने यहाँ पर 3,000 रुपये की सेवा करी है, तो हम चाहते हैं कल जब साधु आए
आप उनकी सेवा करते हैं तो हमें भी मौका मिले आपके साथ खड़े होने का। कल आप आ जाइएगा, जिससे देखिए ताली बजाइए कि बच्चे कीर्तन करते हैं और जो आता है वो सेवा में लगा। देखिए आज का यूथ कीर्तन करने लग जाए, इससे बड़ा बदलाव और क्या चाहिए। सही राह पर चलने लग गए बच्चे, यही तो भारत का भविष्य है। तो बस अच्छा है, आप सुबह 8 बजे 8:30 बजे आ जाइएगा और अपने हाथ से बांटी हम रहेंगे तो आप मिल लीजिएगा। दोस्तों, महाराज जी की प्रेरणादायक बातों से हर कोई प्रेरित होता है। अगर आपको भी महाराज जी की बातें प्रेरित करती हैं तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि यही वो एक ऐसा नाम है जिसे लेने मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।